A uniform solid disk is imparted an angular velocity and is placed on a rough horizontal surface such that its plane is vertical. Options है, it will continue to rotate at the same place till its rotation ceases. Second, if the angular velocity is clockwise, it will move to left. If the angular velocity is anticlockwise, it will move to the left. Friction will act opposite to the direction of motion. So, uniform solid disk, इसको कुछ स्पीड दी, रफ सरफेस है और प्लेन वर्टिकल, यानी बेसिकली ये है, इसको स्पीड दी और घुमा दिया. अब अगर इसको स्पीड इस डायरेक्शन में दी होगी यानी क्लॉकवाइज, तो ये आगे की ओर जाएगा यानी राइट साइड जाएगा. तो क्लॉकवाइज में राइट जाना चाहिए और यहाँ पे लिखा है क्लॉकवाइज में लेफ्ट जाएगा तो ये गलत है. एंटी क्लॉकवाइज में लेफ्ट जाएगा ये सही है. फ्रिक्शन आगे की ओर काम करता है सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन बोला है तो ये गलत है. इट विल कंटिन्यू टू रोटेट एट द सेम प्लेस, ये भी गलत है. ये तब होगा जब फ्रिक्शन ना हो, फ्रिक्शन है तो ये आगे बढ़ेगा. तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट ऑप्शन यहाँ पे सी है.